अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वेलकम टू यूएनआई 24 मिनट्स। माय होस्ट सोहेल खान। मुल्क के मौजूदा हालात और फिरकावारियत और मुल्क से सेकुलरिज्म के खात्मे और दस्तूर हिंद में मदाखलत और इसके खात्मे और शरीयत में मदाखलत, ऐसे हसास मसाइल पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस कायद हरकियाती, कांग्रेस कायद और माइनॉरिटी सेल स्टेट जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान साहब से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू यूएनआई 24 में उबैद बिन हमदान साहब। वालेकुम अस्सलाम सुहेल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे इंटरव्यू को बुलाया। अहम चीज मैं आपको बताता चलूँ कि मोदी हुकूमत जब से इख्तदार में आई, आप देख रहे कि पिछले 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, ये आवाम भी जानती बखूबी तरीके से, आप मीडिया भी जानती। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के जितने झूठे वादे थे, तो देश को जो है पूरी दुनिया में, आज हमारे भारत देश के बारे में, मोदी हुकूमत आने के बाद ऐसा बदनसीब प्रधानमंत्री अपने आज तक नहीं मिला। आज देखिए, 2 करोड़ नौकरी देते बोले नहीं दिए, 15 लाख रुपए का वादा करे थे 2014 में, जो आज तक नहीं दिए। तो मैं ये बात बताता जा रहा हूं कि आवाम जो है मंदिर मस्जिद से किसी का पेट नहीं भरता, मंदिर मस्जिद से किसी का घर नहीं चलता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद आप हॉस्पिटल बनाइए, आप एजुकेशन, जो जो यतीम बच्चे हैं, जो तालीम से महरूम है, ऐसे लोगों को जो है तालीम दीजिए, इससे आप जो है अपना फ्यूचर, अपना इंडिया का जो है ना फ्यूचर सवार सकते। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ, खास लोग और हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग ये समझ रहे हैं कि मंदिर राम मंदिर बन गया और एक तो 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्मा बना, इसी को डेवलपमेंट समझ रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बन गया, हमें मंदिर मस्जिद से किसी चीज से भी इतना सही नहीं। आप करो, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ कोई स्टैचू बनाने से या कुछ होने से नहीं, डेवलपमेंट होना बुनियादी तौर पर। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन आप कैंसिल करते बोले, दस्तूर को चेंजेस लाते बोले, ये इससे आपको जो है देश में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिलेंगे? दस्तूर जो हमारा हमने बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी में जो है लड़ के झगड़ के आज देश आजाद करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर को तुम बदलना चाहे, इतनी खराब बात है। इस पर गौर करना चाहिए कि हुकूमत मोदी जी की बिल्कुल भी जो है अब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, ना ही किसी गरीबी हटाने की बात कर रही, सिर्फ कर रही है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाई करना। मतलब उबैद बिन हमदान साहब, आपका कहना है कि मोदी के पास या मोदी हुकूमत और बीजेपी कायदे के पास जा नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, 2 लाख मुलाजमतें 2 करोड़ मुलाजमतें देने का जो वादा किया था उसमें नाकाम हो चुके हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में, बेरोजगारी जिसे कहते हैं उसमें नाकाम, फिर किसी भी तरह के लोन वगैरह देने में सिर्फ उनके जो तशहीर तक महदूद थे। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम तफरुका की सियासत की जा रही है, जो कि 55 साल में नहीं देखी थी, वो इन 10 सालों में देखी जा रही है, यूपीए की हुकूमत में नहीं देखी। और मैं ये अहम सवाल करूंगा साहब कि जैसे कि हामिद अंसारी साहब नायब सदर जमहूरिया थे और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब सदर जमहूरिया रहे यूपीए की हुकूमत में, कांग्रेस के दौरे इख्तदार, जब हिंदू खतरे में नहीं गए, और अब जबकि पूरे तमाम रियासतों में हिंदुस्तान की चीफ मिनिस्टर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और गवर्नर पूरे हिंदू है, तो आप हिंदू किस तरह खतरे में है? ये खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में मुसलमान नहीं है, खतरे में देश है। यहाँ पे मैं आपको निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात बताता चलूँ, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमापुरी अरविंद जी, जो कि उससे पहले मोहतरमा कविता थी, जो कि केसीआर की डॉक्टर और साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के। आज देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ उनसे कि आप
5 साल इख्तदार में थे, आप सीएम की बेटी थी, आप जो है कौन से फैक्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज, कौन सा एम्प्लॉयमेंट देख के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को आप बता दीजिए। तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अंकल जी, हम ना बात कहते कि जो शुगर फैक्ट्री का जो वादा था इनका निदान दबे, इस पे आ रहा हूं, इस पे आ रहा हूं, उसका आइडिया वो भी बात पूरा नहीं है भाई। वन बाय वन वही बात करना चाह रहा हूं कि सऊदी में आप निजाम शुगर फैक्ट्री का इफ्तिताह करते बोले, ठीक है आप कर गए, वैसे ही 12% रिजर्वेशन देते बोले केसीआर साहब, वो भी कर गए। ऐसे काफी चीजें हैं, इसी वजह से ये जो आवाम तेलंगाना की है उनको नकार, आज आप जेल के पीछे है, ये आवाम जो है जिस तरह आप आवाम को जो है ना सताए, आज यही आवाम की वजह से आप जेल के पीछे। तो मैं बताता चलूं, इसी तरह धर्मगुरु अरविंद जी की सियासत जो हिंदू मुस्लिम की चल रहे हैं, आज देखिए बॉन्ड पेपर 2019 में लेके आए, आज 2023 के इलेक्शन में मोदी जी के जरिए एक ऐलान किया गया कि हल्दीपुर हम देखिए उनके जियो पास करें, हल्दीपुर जियो पास करे, कहाँ है लोकेशन बताइए, उसका एस्टिमेशन बताइए, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो सिर्फ ये भी जो है ना 15 लाख का जैसा जुमला था उसी तरह ये हल्दीपुर का जुमला, यहाँ पे जो है सोच समझ कर अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, सेकुलर फोर्सेस को वोट डालिए और अपना एक भी वोट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने 100% वोट बता के हमें जो है सेकुलर पार्टी को जीता। बिल्कुल बहुत फरमाया लेकिन हम साहब आपने, जैसा कि पिछले यूपीए गवर्नमेंट में कभी शरीयत में मुदाखलत नहीं हुई थी, अब जब ये 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट आई इसने शरीयत के बका को भी एक खतरा लाख है, ये शरीयत में भी मुदाखलत कर रही है, इससे मुताले क्या करेंगे? जब ये लोग दस्तूर को ही पकड़ रहे हैं, इनके सामने शरीयत क्या है, इनके सामने मुसलमान क्या है, इनके सामने हिंदू क्या है, इससे कोई मुसलमान तबके को कोई वो नहीं है, इससे पूरे जितने मजहब के लोग हैं सबको इसका धक्का पड़ेगा अगर दस्तूर बदला जाएगा, इसमें दलित, इसमें हिंदू, इसमें मुसलमान, इसमें सिख, इसमें ईसाई, एससी, एसटी, बीसी पूरे तबके पे जो है ना इसका असर होगा। अब वो एनडीए एनआरसी सीएए लागू अगर कर देंगे तो इसमें नुकसान पूरे देश का होगा, देश का बंटवारा होगा, तो हम नहीं चाहते, इसलिए यही बात कर रहे ना, हमें इस बार सोच समझ के वोट डालना है और सेकुलर फोर्सेस को जिताना है। जैसा कि आप बताएं कविता मैडम जेल में और आवाम की बदौलत है, आवाम ने तो केसिया था तो कविता मैडम घर पे बिठा दिया था, यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा इस बात का। सब ये जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है सीएम और एमपी और एमएलए को खरीदने, पार्टियों को तोड़ने का काम करती चली आ रही है, इन्होंने अपने इख्तदार इतना प्यारा है कि वो दूसरी जमात के सीएम को बर्दाश्त करके आप जेल भेज रहे हैं। देखिए मोदी हुकूमत में कैसा है, जब उनको हार का डर है तब वो दूसरे पार्टी के जो भी एमएलए रहेंगे वो उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। आप देखिए जीएसटी लागू करें, मैं छोटी मिसाल बताना चाहूंगा, जीएसटी लागू, जीएसटी देखिए चावल यहाँ तक कि अपनी कफन अंबानी और अदानी को फायदा पहुंचा, यही अंबानी और अदानी इनकी बैकबोन है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये लोग जो पैसा इकट्ठा कर कर आवाम का पैसा इकट्ठा कर कर ऊपर वाले के पास दे रहे अंधेर नहीं, ये 10 साल बहुत कुछ कर सके, ये जो जालिम हुकुमरान जो देश को सत्यानाश करे यही हुकुमरान जेल के पीछे रहेंगे जब अगर सेकुलर फोर्सेस आएंगे। अडानी अंबानी की बात की है आपने, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे आप, अडानी अंबानी मेहुल चौकसी जो करोड़ों के इनके साथी भागीदार है, इन्हें फायदा पहुंचा और गरीबों को तो बस नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला इन 10 सालों में। जैसा कि आप देख सकते नोटबंदी की मार, महंगाई, इसमें सिर्फ गरीब पीसा गया। तो अब जो यूपीए सॉरी इंडिया ब्लॉक जो है सर्वे रिपोर्ट्स में बता रहा है कि अच्छे इसके नतीजे बरामद हो गए और हो सकता है इंडिया ब्लॉक हुकूमत भी फॉर्म करेगी, आवाम की तब्दीली चाह रही है, जो सेकुलर आवाम है चाहे वो किसी भी मजहब या तबके की हो वो तब्दीली चाह रही है। और अब राहुल गांधी का एक मैनिफेस्टो है सेंटर का, अलग से सेंटर में जो आवाम को, ख्वातीन को सालाना जो माली इमदाद देने का जो
राशन दिया जा रहा है, और जो स्टेट है बिल्कुल तेलंगाना, यहाँ पर 2,500 माहाना ये और वो क्या मिलाकर वापिस को फायदे पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया, उसी तरह असेंबली इंतखाबात में सोनिया गांधी ने 6 गारंटीज दी, 6 गारंटीज में से 5 गारंटीज अमल में आए। सोनिया गांधी जो वादा करती है वो तो बराबर पूरा करती है, मोदी जी के जैसे जुमले नहीं देती। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी जो मैनिफेस्टो बनाए उसमें से एक अहम मैनिफेस्टो है 1 लाख रुपए खवातीन को जो गरीब सालाना। ठीक उसी तरह स्टेट की जो स्कीम है वो स्टेट की रहेगी, सेंट्रल की स्कीम है जो सेंट्रल की रहेगी। तो इंशाल्लाह इख्तदार में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि यही सेकुलर फोर्सेस ये जालिम हुक्मरान को इस देश से सफाए। क्योंकि अगर आज आपने आपके एक वोट का सही इस्तेमाल सही उम्मीदवार के हक में नहीं किया तो फिर यही जालिम जाबिर और फिस्ताई ताकतें आप पर मुसल्लत हो जाएगी, और ना सिर्फ आपके शरीयत दस्तूर में मदाखलत होगी और बदलाव होगा, बल्कि आपका वोट जैसे जमहूरी हक का भी आपसे हक छीन लिया जाएगा। और आपको अभी तो सिर्फ खातिन बहु बेटियों को बाज स्टेट में जहाँ मोदी की हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत है, वहां पर धरना करके घुमाया जा रहा है। कल को इसके बहुत खतरनाक नतायज भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो अभेद रमजान साहब, आप जैसा बता रहे थे आपकी जो हुकूमत बनेगी और राहुल गांधी सोनिया गांधी जी मोहतरमा जो वादा करती है इस पर अमल पैरा भी होगी, और मोदी हुकूमत ने एनडीए हुकूमत ने सिर्फ जुमले जैसे जुमला कहा जा सकता है जुमलों का इस्तेमाल किया, जैसे कि 15 लाख रुपए काला धन, ये कुछ भी वापस नहीं आया ना आवाम को फायदा पहुंचा, सिवाय अडानी अंबानी के, इन्होंने जो उद्योगपति होते हैं बिजनेसमैन होते हैं उन्हीं को भी फायदा पहुंचाया है। अब हम बात करेंगे डी अरविंद के, यहाँ पर डेवलपमेंट से मुताबिक आप क्या जानते हैं कि इन्होंने क्या निजामबाद में फंड लाया है, क्या डेवलपमेंट किया है? कोई कारनामा सिवाय सबके नाम पे एक दूसरे को लड़ाना और प्रधानमंत्री मोदी जी के ताईद में बात करना। कभी जो है माइनॉरिटी वार्ड में आप नहीं आए 5 साल से, आपको गोसा क्या एरिया है नाम नहीं मालूम। आप 5 साल से इख्तदार में हैं, आपके वालिद साहब डी श्रीनिवास साहब इनके बेटे हैं आप, इनका नाम खराब करें आप हिंदू मुस्लिम करके। आपके वालिद साहब के कुछ बड़ी शख्सियत थी कांग्रेस पार्टी, आज उनका नाम खराब करें आप। तो आप जो है डेवलपमेंट नहीं करके मजहब के नाम पे वोट मांग रहे, आज जो है रिजर्वेशन अगर मुसलमानों का कैंसिल हो रहा बोलते मोदी जी स्टेटमेंट, तो आप चुप क्यों हैं? हम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की आवाम से आपसे सवाल कर रहे, आप ये बताइए। बिल्कुल मजाक फरमाया आपने कि रिजर्वेशन को भी खत्म किया जाएगा, और ये लोग क्या समझ रहे हैं दलित एससी एसटी के सिर्फ मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात की जा रही है? नहीं, वो लोग की गलत फहमी है, वो लोग समझ रहे हैं सिर्फ मुसलमानों का रिजर्वेशन, तो उन्हें भी शऊर में आना चाहिए और गफलत से काबे गफलत से बेदार होते हुए सेकुलर पार्टी और सेकुलर कायदे को मुंतखब करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे थे, समझ गया। लेकिन अभिद्रमान साहब, जैसा कि आप बता रहे कि बीजेपी एमपी धर्मप्री अरविंद के यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल वजह है ये बात भी, क्योंकि कुछ रोज कब लोगों एक मौजे में इंतखाबी तशरीह के दौरान देखे गए कि खातिन ने डेवलपमेंट के मुतालिक उनके मसाइल के हल के मुतालिक सवाल करने पर उनके खुले अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि वोट करना है तो करिए, मुझे आप मुसलमानों के वोट की कोई जरूरत नहीं, इससे मुतालिक क्या थे? क्यों जरूरत नहीं है बोले तो ये समझ रहे हैं कि अगर मुसलमान वोट नहीं डालेंगे तो भी मैं जीतता हूँ, ये गलत फहमी है। ये आज जो देश के हालात है ये हिंदू मुस्लिम की वजह से, हमारे हिंदू भाई भी आज जो है ना समझ रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान भी समझ रहे हैं कि ये जो बीजेपी के जो कायद है धर्मपुरी अरविंद वो जो है हिंदू
हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और मुद्दा उनके पास नहीं है, तो ये लोग जागरूक हो चुके हैं, होशियार हो चुके हैं कि नौजवान पीढ़ी की इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस हुकूमत काम करने का उनका भी एक मंसूबा है। हमारे जो कैंडिडेट है जीवन रेड्डी साहब, उनको मामूली शख्स नहीं है, 6 बार MLA, 2 बार मंत्री, 1 अब फिलहाल MLC है और हमेशा आवाम के बीच है और इतना सादगी का जो है मुजाहरा पेश करते हैं उसका कोई वो मिसाल ही नहीं। तो आज जीवन रेड्डी साहब का जो निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में इंतखाबी मुहिम जो चल रही है उसमें जो उछाल आ रहा है वो देख के अरविंद साहब जो है बौखलाहट का शिकार होके वोट डालना है तो डालो नहीं तो मत डालो तो हमारी जरूरत नहीं है बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पोजिशन पे आएंगे इस बार, थर्ड पोजिशन पे आएंगे, यही अवाम जो है निजामबाद के तख्त से नीचे डाले। वो तो अवाम के हाथ में होती है इकतदार पर किसको बिठाना और किसको इकतदार पर दखल कर देना, पिछले आपने असेंबली इंतखाबात में देखा जबकि KCR की स्कीमात हम कहेंगे बहुत काबिल तारीफ थी, इतनी अच्छी स्कीमात के बावजूद भी अवाम ने इकतदार को बेदखल कर दिया, इसकी क्या वजूहत होगी? इसकी वजूहत क्या है बोले तो सोहेल साहब, सबसे पहले तो तकब्बुर इंसान में नहीं देना, KCR साहब को बहुत ज्यादा तकब्बुर आ गया, आपने कई मसाजिद को शहीद कर दिया, और चर्च को शेख कर दिया, ऐसे कई चीजें हैं माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के जो कई मसले हल नहीं। सबसे पहली बात माइनॉरिटीज का मामला था तो 12% रिजर्वेशन के बारे में आपने देखा तो एक मीटिंग में कोई सवाल करा तो बैठ बैठते बाप को गुलाम क्या उनके खोल गए, तो आप देखिए उनके पास जो तकबर आ गया था, पूरी फैमिली चला रही थी स्टेट को, कोई एक MLA का वजूद नहीं था, ये आप लोग भी मीडिया बेहतर जानते हैं, तो ये बात जो है ये इकतदार जो चीज है अवाम जिस तरह बिठाई उस तरह गिराई, तो आज आपका गुस्सा ने हल नहीं। मैं एक बात बताता चलो, आज BRS विधवा यही बाजी रेड्डी को, आज निजामबाद डिस्ट्रिक्ट के हालात देखिए, आपको सेंट्रल से हमें ऐसे हुक्मरान जालिम हुक्मरान को तो हमें एक होना चाहिए, KCR साहब अगर आप सेकुलर है तो आज आप कांग्रेस की ताइद करना था, आज क्यों नहीं करें आप बताइए, आज बाजी रेड्डी गोवर्धन को निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉन्टेस्ट करना क्या जरूरी था जबकि वो हारने वाले हैं ये सबको पता है। तो ये जो बात बता रहा हूँ कि अंदर से TRS एंड BJP तो ये सब चीज आज आवाम को पता चलेगा, तो आप लोग भी जो है ना, मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि तमाम लोगों को कि ये TRS के बातों में मत आइए, इस बार हमें वोट डिवाइड करना नहीं है, मोदी हुकूमत को हटाना है तो इस बार हमें कांग्रेस को वोट करना। साहब जैसा कि आप कह रहे थे KCR साहब ने चले तो खतरों और दस्तूरी होने तक फायद होने के बाद उन्हें ये सेब नहीं देता कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें और इन्हें तकबुर बहुत होने की वजह से तकबुर का सर कभी भी झुकता है, यही हुआ है असेंबली इंतखाबात में। और दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ जैसा कि मोदी के छोटे भाई ये कहिए सिर्फ जुमले इंतखाबी अरबा इस्तेमाल किए, और निजामबाद में जो अरबन MLA साबिक ने बिगाड़ा करने के बाद उन्होंने भी यही किया कि मिनी हज हाउस का आप मुसलमानों को सिर्फ एक चॉकलेट दिया गया, मिनी हज हाउस का ना संदे बुनियाद हुआ ना उसके कामों का आगाज कर सके 10 सालों में, क्योंकि जहां पर इन्होंने आपको संदे बुनियाद करने के लिए जो अराजी इंक्रीज की थी वो एनिमल हस्बेंड्री वालों ने वहां पर स्टे ला लिया था, इससे मुताबिक क्या कहे 2014 के इंतखाबात के बाद जब KCR साहब ने पहली बार चीफ मिनिस्टर का अहदा लिया था उसके कुछ दिन बाद महमूद अली साहब जब डिप्टी CM उन्होंने निजामबाद का दौरा किया और कहा था कि यहाँ पे मिनी हाउस कायम करें, तो पता नहीं 10 साल से वादा क्यों गायब हो गया, मिनी हाउस कहाँ गया, अच्छा उस कहाँ गया पता ही था। आज एक भी एक माइनॉरिटी लीडर ऐसा निजामबाद डिस्ट्रिक्ट का नहीं तो जाके ऐसा सवाल कोई एक सवाल नहीं करा 10 साल कैसे, तो इंशाल्लाह हम इक्तदार जब आएंगे बराबर पूरे वादे मुकम्मल पूरे कर रहे और इंशाल्लाह मैं यही मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैं इसका मुतालबा CM साहब से करूँगा, फील करूँगा CM साहब से कि निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में जल्द से जल्द हज हाउस आएंगे। तो पाइप की डेफिनेशन तारीख तो होती भी वही है ना, जैसे कि आप बता रहे हैं मैं खुद
नुमाई भी करूंगा। बिल्कुल कायद लीडर उसी को कहते हैं। तो अवामी मसायल को अपने आला कायदीन तक सीएम तक पहुंचाए और उसकी एक्सोई करे। लेकिन आगे को जो देखने को मिला सिर्फ पक्का आना करके हमारे लीडर्स, वो लीडर्स भी नहीं कह सकते उन्हें, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस कानून से कुछ नहीं बोलना चाहता, आपका अन्ना हो उनका अख्तियार है, फॉलोअर ना बने, लीडर बने, वो भी अवाम। अवाम के मसले मसाइल क्या है उनके बीच जाकर मालूम करें, यार की ताकि आप खाली फोटो ले लिए अक्का के पीछे अन्ना के पीछे, वो शायद नहीं होगा। वही हुआ पिछले 10 सालों में, अक्का अन्ना के साथ फोटो तस्वीर कशी बैनर की जिनत बने, अवामी मसाइल को उन तक पहुंचाए नहीं और पहुंचाए क्यों? यहाँ पर ताशुबान रवैया देखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम भाई थे हमारे उनके लिए करोड़ों रुपये खर्च करके शमशान घाट एसी गार्डन की तरह बनाया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप उनके लिए बनाए तो मुसलमानों के साथ क्यों ताशुब बरता गया, कब्रस्तानों को क्यों नहीं बनाया गया? देखिए आप करें खुशी की बात, फिर हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को क्यों नजरअंदाज करें? आज माइनॉरिटी है तो एक भी ओपन जिम पार्क नहीं, कहीं पे भी पता चले कि आपको गवर्नमेंट लैंड नहीं दिखा। ऐसे कई गवर्नमेंट लैंड्स है माइनॉरिटी के लिए, लैंड ग्रैबर्स के लिए वो पुलिस देख लेगी, वो कानून देख लेगा। लेकिन आप जब एमएलए 10 साल आपके दिनेश गुप्ता साहब, आप माइनॉरिटी एरिया में ऐसा कौन सा कारण एक कारनामा नहीं करे? अरे ना साहब, सड़कें बनाए, ड्रेन बनाए, फिर तो बटरफ्लाई लाइटिंग डिवाइडर, यही डेवलपमेंट है। ठीक है, लाइटिंग्स लगा दिए, रोड डाल दिए, ठीक है, फिर बारिश में क्यों जो है पूरा तालाब हो जा? वो क्या डेवलपमेंट है? वो डेवलपमेंट नहीं होता क्या? खाली चक चक चका दिए, लेटा लगा दिए, चेन्ना के लेटा लगा दिए, वो सस्ते के लेटा लगा दिए, डांबर रोड ICBC डाल दिए, तो हो गया क्या? दूसरी बात, माइनॉरिटी जो है इस बार दिनेश गुप्ता साहब 10 साल करे, इसके बाद भी जो है ना पसंद ना करी पब्लिक बोले, तो आप क्या है निजामबाद के लिए क्या करें बताइए, यही सब। तो मुसलमानों का डेवलपमेंट आप किसे मानेंगे? नाली सड़क ड्रेन ये तो हर कॉर्पोरेटर और एमएलएस की जिम्मेदारी होती है, आप क्या एजुकेशन और इको सोशल जो मसावाद होती है उसे मानते हैं? देखिए डेवलपमेंट बोले तो बुनियादी तौर पर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हॉस्पिटल, उसके बाद एजुकेशन सब देखना चाहिए। आप 10 साल के अरसे में एक बार सिर्फ जो है सब्सिडी लोन दी, आज माइनॉरिटीज देखिए रोड पे कोई पढ़ा लिखा बच्चा जो है ऑटो चला रहा, जो टिकट करेगा, ये शर्म की बात है, आप क्या करें बताइए। डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे होना चाहिए कि हमें जो है माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन, शबीर अली स्पीच नहीं लाए शबीर अली साहब, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मजहब के नाम पे नहीं लाए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इस वजह से सोशियो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है लोगों को, बोलिए आज वो 4% रिजर्वेशन लाए होंगे, आज कई लोग जो है डॉक्टर्स इंजीनियर्स कई जगह के जॉब्स, तो आप वो काम करो, आप क्या काम करें केसीआर साहब, आपकी और आपकी फैमिली पूरे तेलंगाना को लूट ली, ये आप तमाम लोगों को पता है कितने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे थे, जाना है बच्चा जाना बनाए ना साहब, 204 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, उसके जरिए तालीम मौत दी गई, ये भी एक कारनामा ही है। देखिए साहब, 204 रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ नाम ये है, मैं खुद पिछले 10 साल में कई बार ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा किया हूँ जिसमें काफी प्रॉब्लम्स थे, मैं कई प्रॉब्लम सॉल्व करा, आज देखिए अंदर कई चीजें हमें मुहैया नहीं की जा रही, तो मैं ये बताता चलूं, आप इसके ऊपर कोई सुपरविजन क्यों नहीं करे, फिर इंसिडेंट्स क्यों हो रहे, फिर परसेंटेज क्यों डाउन हो रहा, आप बताइए एक बच्चे के ऊपर 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं आप, फिर क्यों नहीं करे आप 10 साल से?
आज हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब ये प्रॉमिस करें कि हम जो है रेसिडेंशियल स्कूल को नहीं दिखाएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। तो ये चीज हमें जो है इसको वो करना, फोकस करना, ना कि आप बना दिए बिल्डिंग छोड़ दिए कर दिए वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से लेक्चरर्स नहीं, टीचर्स नहीं, साफ सफाई प्रॉपर नहीं, और वाटर प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, कौन देखना है? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, ये चलने वाला नहीं है। अब ये हमारी हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, अगर छोटी भी जो है ना प्रॉब्लम आएंगी तो सस्पेंड किया जाए। इस बात को मैं ये कह रहा था, स्कूल्स के ताल्लुक पर हो गया, ये उर्दू एकेडमी का भी बहुत बुरा हाल था, उर्दू एकेडमी का नामो निशान भी एशिया के दौरे अस्पताल में खत्म कर दिया गया, जहाँ पर उर्दू एकेडमी से कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती थी, सिलाई और मुख्तलिफ ट्रेनिंग वगैरह और लड़कियों के फातिम के लिए भी बहुत सी स्कीम थी, इसे टोटली खत्म कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, इससे मुताबिक क्या कहेगा? माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसे कई चीजों को नजरअंदाज किया गया, तासुबाना रवैया, तासुबाना रवैया, क्यों? क्योंकि ये अंदर से बीजेपी के वो थे, मतलब अगर हकीकत तौर पर ये मुसलमानों की भलाई नहीं चाहते थे, आप नहीं करे भाई 10 साल में बता दो आपको ये कारनामा इन्होंने करे क्या माइनॉरिटी का? 1 लाख रुपए 2 मरतबा लोन दिए बस, तो इनकी मतलब ये दूसरी बार डुप्लीकेट चेक ला के बेवकूफ बना दिए, कहीं को सामने इलेक्शन है, चलो बांट दो, क्या मुसलमान सिर्फ खाली वो खैरात के चेका बांटने वाले दिख रहे हैं? तो यही मुसलमान, यही हमारे हिंदू भाई लोग, यही सिख भाई लोग आज इकतदार से उतार दिए, इसी हद तक खत्म किए। तो 3 लाख रुपए दिए ना साहब, फिर दलितों के साथ 3 लाख और मुसलमान को 1 लाख की बहुत बड़ी नाइंसाफ नहीं कर दिया क्या? आपने इस पर आवाज उठाई थी, नुमाइंदगी की? दलित पर नहीं, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अपने अपने लोग, इस पे हम कोई इंक्वायरी कराएंगे, इतने टीआरएस के लीडर्स इसमें इंग्लिश है, उनको बराबर हम गिफ्ट से डाले, आज 10 लाख दलित को दे रहे हो तो फिर मुसलमान को क्यों 1 लाख दे रहे थे? क्यों ऐसा? हालांकि सोशियो इकोनॉमिकली मुसलमान आज पीछे, हाँ जैसे सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा सुधीर कमीशन की सिफारिश दिए गए, दलित से भी ज्यादा सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मुसलमान पिछड़ा हुआ है, दलित से भी कमतर है। तो मुसलमान तो पीछे, फिर आपको केसीआर साहब कभी नहीं दिखा 10 साल के इंतजार में, आज देखिए हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पहले उर्दू एकेडमी चेयरमैन को फिलअप करें, कमेटी चेयरमैन को फिलअप करें, फिर माइनॉरिटी फाइनेंस करें, इसी तरह बोर्ड को करें, यहाँ से जो है आप देखिए कितनी तब्दीली आ रही है, कितने इंप्रूवमेंट्स होंगे, कितने डेवलपमेंट्स। अरे एशिया के दौरे इंतजार में वक्फ बोर्ड को मुकफल किया गया, जो तारीख में पहली मरतबा आया था, ये काला दिन रहा कि वक्फ बोर्ड को मुकफल करके क्या करना चाह रहे थे वो, और जो सुप्रीम कोर्ट के भी एक केस चल रहा था हैदराबाद की एराजी का, बरका की एराजी का, उसमें भी हमें शिकस्त खानी, मूंगी खानी पड़ी। पहले तो केसीआर साहब ने कहा जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को, क्योंकि नहीं दी, अब जितने वक्फ प्रॉपर्टीज थे उस पर नजर डाले, नजर डाले उसके ऊपर जो है क्या करें क्या नहीं, फिर बाद में जो है वक्फ बोर्ड को आप ताला डाल दी, फिर अंदर के फाइल्स कहाँ गए, इस पर हम इंशाल्लाह इंक्वायरी करेंगे, और ये भी हम स्कीम साहब के जिम्मेदारी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के बड़े लीडर्स के नाम इसके ऊपर इंक्वायरी हो, जितने प्रॉपर्टीज को कब्जा किया गया है प्रॉपर्टीज को हम बराबर वापस लेंगे। ये तो हो गया वक्फ बोर्ड का, हो गया था वक्फ बोर्ड की सालाना आमदनी तेलंगाना स्टेट में इतनी है कि अगर उसको जुडिशियल पावर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाए। तो क्या अब कांग्रेस की दौर इंतजार में सीएम रेवंत रेड्डी साहब से आप इस चीज़ को लेकर नुमाइंदगी करते हुए कमिश्नरेट का जो दर्जा देने का केसीआर साहब ने तो वादा पूरा नहीं किया, कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, और इसकी नुमाइंदगी हम सबसे पहले शबीर अली साहब से कहेंगे, और जनाब ताहिर बिन हमदान साहब से कहेंगे, जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब से कहेंगे, जनाब महेश गोड साहब से कहेंगे, और तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स है उनसे एक डेलीगेशन बनाकर पर जो है इसकी नुमाइंदगी सीएम साहब से, और हमारे सीएम साहब जो है जो बोलते हैं वो करते हैं।
ये तो कहे कि आवाम के मसाइल हो गए, आवाम की जानिब से हम नुमाइंदगी करते हैं, आवाम के मसाइल को हम आप कायदीन तक पहुंचाते हैं, आप आला कायदीन तक पहुंचाते हैं इसका, ताकि एक सही हो सके। लेकिन जहां पर पीसीआर हुकूमत और दौरे इख्तदार में एमएलसी कविता मैडम मोहतरमा ने ना होडाराम में सहाफियों के लिए अराजी इंदराजात के लिए, वो भी एक सियासी हरबा था इंतखाबात में जीतने के लिए, उसमें भी वो नाकाम है। आज तक सहाफियों को 10 साल दौरे इख्तदार में ना कोई छोटा सा पट्टा दिया गया, ना कोई प्लाट दिया गया, ना कोई घर दिया गया, क्या इसके मुताबिक भी आप नुमाइंदगी करेंगे? सुरेंद्र साहब, मैं एक बात, मिस्टर बस हजारों घर बसाए, और केसीआर साहब जब इक्तदार में आया, एक भी पट्टा इशू करे, पट्टा तो दूर की बात, आज अपने निजामाबाद जिले में डबल पेट्रोल के जो वन के तामीर हो गए, 5 साल वो भी तकसीम, वो भी हमारे बीगाला साहब क्या करे, तकसीम नहीं करे, क्यों नहीं करे, और जो पता कब्जे हो गए उसके बाद बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, जो ओपन लैंड दिख रही वहां पे कब्जे हो गए, फिर उसके ऊपर आप एक्शन नहीं लिए, उसमें कई लिमिटेड सिग्नल थे, फिर आज डबल बेडरूम देख लिया, आज ऐसी खस्ता हालत हो गई, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? फिर आवाम जो है बेघर है, आज रोड पे किराए के घरों में टीन शेड में पानी का टोकरा, धूप है, गर्मी है, तो ये आपको नहीं दिखा क्या? आज आपको इलेक्शन के वोट्स मांगने के लिए आपकी ये गलियां याद आ रही, फिर पहले याद नहीं आए आप? बेडरूम तो बहुत बड़ा मसला है, डबल बेडरूम में किसे भी नहीं, जिसके पास राशन कार्ड होगा। 10 साल में उन्होंने राशन कार्ड की साइट पर एक बार ओपन की थी, और आज कई हजारों लोगों के पास राशन कार्ड से महरूम है। तो क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वादा किया है राशन कार्ड बहुत जल्द दिया जाएगा, तो इस पर अमल हो रही होगी? रब्ता इंतजामी रब्ता अपना के पास बिल्कुल, सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने हाल ही में कहा, अब जितने भी स्कीम्स जो हफ्ता है राशन कार्ड मिलेगा, और इलेक्शन बोर्ड है तो इंशाल्लाह ऐसे रिजल्ट्स ऐलान होंगे, उसके बाद हमारे सीएम साहब इसका अमल। तो आप कांग्रेस के जो कायदीन है आप, वो माशाल्लाह हम भी देखते आ रहे हैं कि आप हर मसले पर नुमाइंदगी करते हैं, आप ये कायदे कायद हैं, इसी वजह से आज हमने आपका इंतखाब किया गया है। चंद एक मसाइल है आवाम के, इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, और आप भी इन मसाइल को, शब्बीर अली साहब जो हुकूमती मुशीर है बरए सी एस टी और कोटिस की, वो अकलियत उनसे भी नुमाइंदगी कीजिए, सीएम साहब से भी नुमाइंदगी कीजिए। आवाम राशन कार्ड के लिए काफ़ी परेशान है, दूसरा डबल बेडरूम के लिए परेशान है, फिर जो 5 लाख रुपए का जो वादा है उसे भी आप फुलफिल करने के लिए नुमाइंदगी करें, ये हमारी आपसे गुजारिश है, ताकि आवाम को फायदा पहुंचे, क्योंकि आवाम ने आपको इख्तदार पर बिठाया है, तो आप उनके मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें और उसे एक्सोई करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं साहब, जैसे कि अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है मरकज में, लेकिन सर्वे रिपोर्ट बता रही है इंडिया अलायंस 300+, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये अबकी बार 400 पार का जो नारा, दो फेज जो इलेक्शंस के हुए उससे पहले था वो नारा बदल गया, अबकी नहीं बार 150 पार ही रहेंगे। इंडिया एयरलाइंस के ऊपर जो है इनका जो मैनिफेस्टो है, आज तक का पिछले 75 साल से ये आज तक का सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टो, और इस मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए और मोदी जी के जो झूठे वादे, से कई वादे हैं, निजामाबाद सिटी स्मार्ट सिटी बना दूंगा, छोटा में एक वादा देता हूँ, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को ना निजामाबाद सड़कें सही, सड़कें उसी की बता रहे हैं कि आपको अगर जल्दी में, अगर एमपी साहब, अगर अरविंद साहब आप आते तो मैं आपके साथ बैठ के गाड़ी पर चलता हूँ, कैसे कैसे रोडे है यहाँ पे बताता हूँ, स्लम एरिया। आज अगर बारिश हो गई तो ये पूरी झील तब्दील हो जाएगा। अलग मसला है, लेकिन ये पूरी रोड के नाम से मौसम की जाती है मॉडल रोड, जहाँ पर इतने हादसा होते बावजूद इसके ना इसके वाइडनिंग के लिए कोई काम किया गया, ना इंक्रोचमेंट हटाए गए, ना सिग्नल वहां पर नष्ट किए गए। सेंस की, लेकिन इतने
एक्सपीरियंस जिम्मेदार आप इलेक्शन करीब आ रहे हो, कितने साल से आपको काम याद रहे हैं, आज क्यों काम याद रहा है? फिर आप गोल्डन रोड पे जो है ना, उसको नजर अंदाज करो। गोल्डन रोड पे तो आप एक से एक सिग्नल्स लगा के जो है एक्सीडेंट्स जो है रोक सकते, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं कर रहे हो। तो हम जो है ऐसे कई मुद्दे आपको वादों पे वादे कर रहे हैं, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहे। ये ना साहब, जो खुदा जो आवाम की मिल्कियत है, धरोहर है मुल्क की, उसको खिला भी जो गेट थी उसको उन्होंने भगवा करने का काम किया। तो मैं यही बताता जा रहा हूँ ना स्टार्टिंग से, ये जो हमारा पार्लियामेंट अलवी साहब इस्लामाबाद एम पी है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उनके पास कोई और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में कभी आज तक इनकी स्पीच नहीं सुना, ना ही कोई एक मुद्दे पर इनको आवाज। यू नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या, कुछ फायदा नहीं है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब इमोशन से इत्तेदार में से चाहिए अभी क्या बात है, वो हट जाती पब्लिक हटा देती। आप मैं समझ लूँ आप खुद ही हट जाइए। तो वही आई रहे तो आप क्या मैसेज देना चाहिए वहाँ तहरू दुनिया में, सेकुलर पार्टी और सेकुलर कायदे और इस फिरका प्लस किसका ही ताकत हो और जालिम हुक्मरानों के मुताबिक। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम को स्कॉलरशिप्स बंद कर दिया है। क्यों बंद करे मोदी साहब, यही अरविंद साहब क्यों जाते जो है इसकी माइंड। नेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, तमाम तबका के लिए, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी रहते, इसमें मेरिट टर्म स्कॉलरशिप्स भी रहते, इसमें प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप्स भी रहते। तो फिर ये स्कॉलरशिप्स को बंद करने का मकसद क्या है? आज 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं है तो आप क्यों नुमाइंदगी नहीं करें अरविंद साहब? तो मैं ये बताता चलूँ कि इस बार आप निजामाबाद की आवाम को कह रहा हूँ, तेलंगाना की भी खसूस आवाम को कह रहा हूँ कि सेकुलर जमात को वोट डालिए और वोट का परसेंटेज अच्छी तरीके से बढ़ाइए, क्योंकि हमारा ये एक ही हक है, जमहूरी हक है और ये दस्तूरी हक है। इस हक को हम भरपूर इस्तेमाल करें, एक वोट भी मिस ना करें, ये एक मेरी अपील है। आप बता रहे नुमाइंदगी को क्या करेंगे साहब, नुमाइंदगी उसे चुनो इस बात की करें कि हमने राम मंदिर बना दिया, हिंदू मुस्लिम का फर्क हुआ, बस यही चला। और जैसा कि जुमलेबाजी चली, सिर्फ जुमले और तयकुनात दिए गए, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर इनका जाति मफादात की तकनीक तो भरपूर हुई है, जैसे कि कोविड वैक्सीन का मामला ले लीजिए, 5,000 करोड़ का चंदा हासिल किया और जबरदस्ती वो वैक्सीन आवाम को लगवाया गया, क्योंकि इनके 5,000 करोड़ के फायदे के लिए। आज वो जो वैक्सीन देने वाली आवाम ब्लड क्लॉटिंग की सबब हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मर रही है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी है, राहुल गांधी जी ने जब ये कोविशील्ड प्रिपेयर हुआ, जब कहा कि ये कोविशील्ड सही नहीं है, तो देखो कौन हिंदुस्तान के आवाम को नहीं मानते आप तुम्हें को वैक्सीन। कोविशील्ड जो है, जब आप अपोजिशन लीडर की बात नहीं सुने, आज वही बात नहीं सुनने की वजह से मर रहे, इसके जिम्मेदार मोदी है। तो ये राहुल गांधी साहब छोड़ने वाले नहीं है, ये याद रखिए। अब ये मोदी जी, ये अमित शाह, इतने लोग हैं इसमें, इन लोग सबके सब के ऊपर कार्रवाई हो। ये वो रेल देन सेन देन हवाई अड्डे सब फरोख्त किए गए वो मोदी के इकतदार में, एनडीए के इकतदार में, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इस पर देखिए अंबानी और अडानी को सब बेचा जाए, इस वजह से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम जो है ना वो करे मुहैया करूंगा, इसके ऊपर भी बराबर कोई सेवा नहीं चाहिए। मैं
यही बताते चलो कि मोदी जी को हिंदुस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो जिए वो मरे, उन्होंने अपने मफाद के वास्ते अपनी पार्टी को डेवलप करने के वास्ते जो है ये सब कर रहे, तो आवाम के बीच में इनका कोई एक रोल नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो मैं ये खुसूसन बोल रहा हूँ कि इस बार अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, आज गैस के दाम देखो, मोदी जी को जोरों ना बचे आगे ना बचे, महंगाई क्या मान, वो आटा चावल के दाल क्या मान, महंगे से महंगे कपड़े पहने जो है, उनका नाश्ता जो है करोड़ों का है, इनको गरीब जो है फैमिली के बारे में क्या मान, शादी अगर होती तो मालूम होता था तो बीवी बोलती थी बच्चे पर, बीवी भी जो है बेचारी दर इधर भटक रही होगी, आज उसको नहीं पूछे तो देश को क्या पूछते, आवाम को क्या पूछते ऐसा। तो अभी दिन हमला साहब, जैसा कि आप रियासत में आपकी हुकूमत है, मंत्री साहब चीफ मिनिस्टर है, और इंशाल्लाह यूपीए और सॉरी इंडिया अलायंस के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो राहुल गांधी साहब वजीर आजम बनेंगे, ये तैयारियां चल रही है, और वो बन भी जाएंगे, तो क्या आप निजामाबाद शहर से वाबस्ता है और एक बेहतर कायद है, और अब तक आपने अपोजिशन में रहते हुए बहुत अच्छा भी तो लगा किया, नुमाइंदियां की हर मसले में, तो हमारा ये सवाल है क्या मिनी हज हाउस, ओपन जिम, प्ले ग्राउंड, मैटरनिटी हॉस्पिटल और मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज, ये अवाम के असर पसार है, अवाम की जानिब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या इनकी नुमाइंदगी करते हुए आप इनकी एक्सोई को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे नोटिस में है ये बात, मुसलमानों के साथ मालियाती फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बहुत नाइंसाफी हुई, 1 लाख रुपए वो भी सिर्फ 2 मरतबा 10 साल में दिए गए, तो क्या मुस्लिम जो बेरोजगार नौजवान है उन्हें अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के जरिए लोन्स के लिए भी कोई नुमाइंदगी की जाएगी, लोन्स की स्कीम से भी उन्हें कोई भरपूर फायदा पहुंचाए जाएंगे? हाली में दो तीन दिन पहले नसीर चौरस पे जलसा हुआ कांग्रेस पार्टी, इसमें रियासत की शब्बीर साहब ने कहा सब्सिडी लोन्स, इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम्स इलेक्शन के बाद लागू करेंगे, क्योंकि इस 10 साल के अरसे में हम गरीब से भी गरीब हो बदतर हालत में आ गए, आज हर चीज पे जीएसटी लगने से वो लोग पानी के मोहताज हो, हमारे हुकूमत में कांग्रेस दौरे इकतदार में 9 चीजें दिए जाती थी रेशन की दुकान, आटा चावल दाल गैस का तेल इडली मिर्ची हल्दी ये सब चीजें, ये तो चावल की दे रहे तो कैसा चावल दे रहे हैं, वो कोई बता दूं आपको क्या, हम जो है इलेक्शन के कोड की वजह से हम कुछ कुछ बातें नहीं कर सकते, तो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये सब चीजें इंशाल्लाह सीएम साहब लागू करेंगे। ठीक है अवैध नंबर साहब, तो आप हमारे साथ नागरिक को एक ऐलान दे करके गवर्नमेंट अब तेलंगाना में तो कांग्रेस की है और कांग्रेस की गवर्नमेंट से आवाम को भरपूर फायदे हासिल हो गए, अब इलेक्शन बोर्ड होने की वजह से उन्हें जो चीज़ें या स्कीम से महरूम है उन्हें इख्तिताम के बाद इलेक्शन बोर्ड के भरपूर फायदे हासिल हो गए, राशन कार्ड हासिल होगा और राशन दुकान से नव जो अशिया दी जाती थी शादी को जिस तरह उस तरह हासिल होगी, और सब्सिडी लोन वगैरह इकोनॉमिकल सपोर्ट स्कीम जो है मालेगी फाइनेंशियल लोकेशन जो है उसके जरिए दी जाएगी, बहुत अच्छी है आपकी सोच और कांग्रेस हुकूमत के की सोच बहुत अच्छी है। तो नाजरीन हमारे साथ उबैद रमदान साहब स्टेट माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, वो बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या दिया है और कांग्रेस की जो यूपीए हुकूमत मरकज में थी इसमें आपको क्या मिला है, ना आपको दंगा फसाद मिला, ना आपकी बहू बेटियों को भरना करके घुमाया गया, ना जुमलेबाजी की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह बहबूद तरक्यात पर काम किया गया, रोजगार मुलाजमत एजुकेशन इस पर काम किया गया, जैसा कि मोहम्मद अली शफीर साहब ने 4%
मुस्लिम तहफात फ्राहम किए तेलंगाना की आवाम के लिए, नौजवानों और नौनिहालों के लिए। आज वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इससे उनका सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, उन्हें उभारने में मदद हासिल हुई है, तालीमी और माशी तौर पर वो उभरे हैं, आगे आए हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमतों और कायदीन की होती है कि वो किसी भी तबके को अगर तरक्की पजीर बनाना चाहते हैं तो उन्हें तालीम दे, तालीम के साथ साथ इकोनॉमिकल सपोर्ट दे। जैसे स्कॉलरशिप है, वो है, ये यूपीए की ही शुरुआत की हुई स्कीम है स्कॉलरशिप की। तो नाज़रीन, हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जाबिर फिस्ताई जालिम हुक्मरानों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना कीमती और सेकुलर नेशनल जमात और इसके कायदीन के हक में इस्तेमाल करें, ताकि आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशनास हो सके, ना कि तारीकी में जाए। अगर आप एक गलती करते हैं और बिखरते हैं, मुंतशिर होते हैं रायदेही के रोज, तो आपकी गफलत आपके आने वाले नस्लों के लिए एक तारीकी में ढकेलने का सबब बन सकती है। तो हम बस यही गुजारिश करेंगे कि मुत्तहिद होकर ना आपका और फरोख करें, आपका कीमती और मुत्तहिद होकर सेकुलर जमात, सेकुलर कायद और नेशनल जमात के हक में इस्तेमाल करते हुए खुद भी फायदा उठाए, अपने नस्लों को भी इससे फायदा उठाने के काबिल बनाए। तालीमी, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह से आपको भी फायदे हासिल होंगे, क्योंकि मरकज में अगर सेकुलर जहन जमात इख्तदार पर फायद होगी तो वो आपके फायद के लिए, तरक्की फलाह बहबूद के लिए सोचेगी, काम करेगी। और उबैद बिन हमदान जैसे और भी हमारे पास शब्बीर अली साहब है, महेश कुमार गौर साहब है, ताहिर बिन हमदान साहब है, और भी आला अहदों पर सेकुलर कायद मौजूद है हमारे पास, रत्नाकर साहब भी है, सुदर्शन रेड्डी साहब है जो बोधन MLA है। ये लोग सेकुलर जहन रखते हैं, अवामी फलाह तरक्की इनका नजबुल अहम है। हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी परसों से इनके साथ ताल्लुक और तजुर्बा है, तजिया है, ग्राउंड पर हम काम करते हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच रखते थे, नुमाइंदगी करते थे। अब आज ये इख्तदार पर है, तो अभी हमने सवाल भी किया अवैध बिन हमदान साहब से, उनका यही कहना है कि वो CM रेवंत रेड्डी साहब से और हुकूमती मुशीर बराए SC ST OBC अखिलियत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से हर मामले पर नुमाइंदगी करेंगे, उनके इल्म में मसायल को लाते हुए इसकी एक्चुअली को यकीनी बनाएंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आप सेकुलर उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करें। और एक गुजारिश ये करना चाहेंगे कि हमारा चैनल जो बेबाक गैर जानिबदार है, सिर्फ और आवाम की नुमाइंदगी करता है बेबाकी के साथ, तो यूट्यूब पर हमारे चैनल UNA24 न्यूज को नाज़रीन आप जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फेसबुक पर हमारे सोहेल खान जर्नलिस्ट ID को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। दे अब इजाजत हमें, अल्लाह हाफिज़।